हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे रियर ब्रेक पैड रिमूव एंड फिक्स। ड्राइवर बस ये कैप है इसका एडजस्टर के ऊपर, जिससे कुछ भी धूल मिट्टी पानी नहीं जाए। ये इसका एडजस्टर होता है सॉकेट, ये इसमें लगा के इसको आपको बोल्ट की तरह लूज करना है। आप इसको लूज करेंगे, अगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बस के अंदर हवा पूरी होनी चाहिए 8.8, और आपके हैंड ब्रेक डाउन हो, दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आपके हैंड ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो ये एडजस्टर नहीं चलेगा, हवा पूरी नहीं होगी। ये पिन है, निकालना है आपको ऐसे। ये प्रोसेस फ्रंट और रियर का सेम है, ड्राइवर के अंदर ब्रेक भी सेम है और रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक दोनों सेम है। ये हमारे फ्रंट ये ब्रेक हैं हमारे, ये तो दो पैड ब्रेक हैं। इसके लिए आप पहले आप इसको पिन में नीचे स्प्रे कर लेंगे, देखिए थोड़ा बहुत जो भी कार्बन होगा तो ऐसे आपका ये स्टेकअप होगा तो ये फ्री हो जाएगा। देखिए अगर आपको ब्रेक पैड ऐसे रखना है सीधे, अगर आपको इसको कुछ करना है वाला ब्रेक पैड है आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है, ये भी एकदम फिक्स आएगा। ये आपके कवर आ गया, तो आप ऐसे करके एक हाथ से पुश करना है इसको, ये आपने लॉक डाल है, ये यहाँ पे ढालने के बाद ये इसका वॉशर है, ये इसके इसका लॉक है। यहाँ पे सेंटर में रखना है। अब आपको यहाँ से ब्रेक एडजस्ट करना, पहले आप इसको पूरा टाइट करेंगे फुल। टाइट करने के बाद जब आप कभी टाइट होने लगेगा स्टेटर हो जाएगा, कार वाला एबीएस का नीचे लगा होता है व्हील पे, दोनों कनेक्ट होते हैं दूसरे से। वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे जब भी इस पर काम करेंगे। ये देखिए यहाँ दिखाई, ये देखिए यहाँ पर जाम हो गया, ये जाम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको दो एडजस्टर इसकी खोल देना, लूज कर देना और यहाँ पर चेक करना है कि व्हील आपका बिल्कुल फ्री घूम रहा है। आप इसको चार बार खोलेंगे एडजस्टर को, तीन बार खोलेंगे, ये जितना एडजस्ट नए ब्रेक पे होता है ये उतना ही रहेगा, क्योंकि ये ऑटो एडजस्ट है, ये कैलिबर ऑटो एडजस्ट है। आप ब्रेक ख़त्म होते रहेंगे आपके, आप ब्रेक मारते रहेंगे, ये आपका ब्रेक एडजस्ट होते रहेंगे, आपको इसको बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कंप्लीट कर दिया, बूस्टर के पाइप है इसमें, बाद में जब वीडियो बनाएंगे बूस्टर की चीज़ बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू।